भारत सहित अन्य कई देश में कोरोना वायरस आग की तरह फैल रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और आला अधिकारी लोगों को सतर्क रहने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में नरसिंहपुर कलेक्टर ने शहर में अन्य अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि जिले के सभी स्कूल, पुलिस, होमगार्ड सहित हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जो लोग प्रभावित देशों से लौट रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने कल निर्देश जारी किए हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कल बैठक की थी जिले के अधिकारियों की VC के माध्यम से। उसके बाद हमने जो है सभी जगह एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें स्कूल एजुकेशन को, पुलिस को, होमगार्ड को, रेवेन्यू को, हेल्थ को, इन सारे डिपार्टमेंट्स को, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको ऑन बोर्ड लिया गया है। हम फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी अब हमने संपर्क स्थापित कर लिया है। जो लोग विदेशों से जो प्रभावित देश हैं वहाँ से यदि दौरा करके लौट रहे हैं तो उनका चेकअप वगैरह की पूरी व्यवस्था कर ली। हमने यहाँ पे नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में एक सेपरेट OPD और एक सेपरेट वार्ड, दो बेड जो हैं उनके लिए आरक्षित कर दिए हैं, ताकि इस तरह का कोई मरीज आए तो उसको निगरानी में रखा जा सके। वहीं कलेक्टर ने आगामी होली पर्व को शांति और भाईचारे से मनाने की अपील की है। JSR टाइम्स के लिए नरसिंहपुर से सुमित साहू की रिपोर्ट।